आज हम पढ़ेंगे कि चतुर्भुजों की रचना कैसे करते हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 14 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक चतुर्भुज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मान लीजिए आपको कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए उसकी चारों भुजाएं दे दी गई है। चारों भुजाओं का मान मान लीजिए एक का है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो आप इससे क्या एक निश्चित चतुर्भुज बना सकते हैं, ये हमें देखना है। एक चतुर्भुज मैंने बनाया जो कि है आयत, जो कि है आयत। इसकी ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये भुजा 2 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं इससे एक समानांतर चतुर्भुज भी बना सकता हूँ, जिसकी ये हो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। मैं इससे एक समानांतर चतुर्भुज भी बना सकता हूँ। तो क्या आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ चारों भुजाएं होने से हम एक निश्चित चतुर्भुज नहीं बना सकते। कोई भी निश्चित चतुर्भुज बनाने के लिए हमें कम से कम 5 चीजें चाहिए होती है। 5 चीजें मतलब या तो कोण या विकर्ण की लंबाई या भुजाओं की लंबाई, इन सबको मिला के हमें कोई भी 5 चीजें चाहिए होती है। अगर 5 से कम है तो उससे हम एक निश्चित चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम देखें चतुर्भुज बनाने का, जिसमें हमें चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। उदाहरण आप देखें, मान लीजिए हमें ABCD नाम का एक चतुर्भुज बनाना है, जिसकी लंबाई AB, जिसमें AB की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, AD की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 3 सेंटीमीटर, BD जो कि एक विकर्ण होगा उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कच्ची आकृति बनाते हैं। कच्ची आकृति मतलब कोई भी, मान लीजिए कि ये ABCD है, ABC और D, ठीक है। तो हम ऐसा कोई भी कच्ची आकृति बनाते हैं। हम लिखते हैं AB की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, BC की 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, CD की लंबाई 3 सेंटीमीटर, AD की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर और BD की लंबाई कितनी है, और BD की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसा कोई कच्ची आकृति बनाते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि जो हमारा चतुर्भुज होगा वो कैसा दिखेगा, रचना विधि। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम BD बनाएंगे। BD जो कि जिसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने BD बनाया। फिर हम क्या करते हैं, BD बनाने के बाद हम B को केंद्र बिंदु लेके, B को हम केंद्र बिंदु लेंगे और B को केंद्र बिंदु लेके 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचते हैं। 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का चाप का मतलब आप समझते हैं, यहाँ हमने प्रकार रखा 2.5 सेंटीमीटर नाप के और उससे हमने एक चाप खींच दिया, और D से हम 3.5 सेंटीमीटर का चाप चाप खींचेंगे, ठीक है। और ये जहाँ भी एक दूसरे को काट रहा होगा वो पॉइंट हो जाएगा A, क्योंकि आप ध्यान दें AB की लंबाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर और AD की लंबाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसा ही हम करते हैं इधर के साथ। हमारे पास एक त्रिभुज तैयार हो गया, ABD नाम का एक त्रिभुज तैयार हो गया। ये 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। अब हम ऐसा फिर से करेंगे, हमें एक पॉइंट और निकालना है, एक शीर्ष बिंदु और निकालना है जिसका नाम है C। उसको हम उसके लिए हम क्या करेंगे, B से हम लेंगे 4 सेंटीमीटर का एक चाप, ठीक है, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप, और D से हम लेंगे 3 सेंटीमीटर का एक चाप। तो ये पॉइंट हो जाएगा C। हमने चाप ऐसे क्यों लिए, क्योंकि BC की जो लंबाई है, BC की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर और CD की जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने लिया 4.5 सेंटीमीटर का चाप और यहाँ से लिया हमने 3 सेंटीमीटर का चाप। तो ये जो ABCD है, ये हमारे पास जो हम चाहते थे कि ये बन जाए वो हमारे पास बन के आ गया है। दूसरा तरीका आप देखें, दूसरा तरीका क्या होता है, जब 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए हों, 3 भुजाएं और
ध्रुवीकरण दिया हो। उदाहरण देखें आप, कोई भी चतुर्भुज है एन आई एल ई, हम इसका कोई भी एक कच्ची आकृति बनाते हैं, ये रहा आपका एन आई एल ई, एन आई एल माफ कीजिए एल और ये ई, ठीक है, ये रहा आई ई और ये है एन एल, ठीक है। तो एन आई की जो लंबाई है वो है 2.5 सेंटीमीटर, आई एल की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, एल ई की लंबाई 3 सेंटीमीटर और एन ई की आई ई की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और एन एल की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक कच्ची आकृति हो गई। हम इसके बाद देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे ये हम चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, रचना विधि आप देखें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आई एल बनाएंगे, आई एल जिसकी लंबाई आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम एल से 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, क्योंकि एल से ई की दूरी है 3 सेंटीमीटर और आई से ई की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, तो हमारे पास एक बिंदु निकल के आ जाएगा, एक केंद्र निकल के आ जाएगा ई, ठीक है। ऐसा ही हम, अच्छा आई ई की लंबाई कितनी है, आई ई की लंबाई आपको पता है 5 सेंटीमीटर है और एल ई की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। अच्छा अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, आई से एन की दूरी कितनी है, आई से एन की दूरी हमें दी नहीं गई है, तो हमें पता है कि एल से एन की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो एल से हम एक चाप काटेंगे 4 सेंटीमीटर का और हमें ई से एन की दूरी पता है, तो हम ई से एन की दूरी हमें पता है वो है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, तो ये हमारे पास जो आयत है वो बन के आ गया। आप ध्यान दें हमने आयत में क्या किया, सबसे पहले हमने एक कोई भी एक भुजा बनाई और उसके दोनों बिंदुओं से जिस भी बिंदु की हमें दूरी पता है हमने उस दूरी के चाप काटे और उनको मिला दिया, ठीक है। अब हमारे पास 3 बिंदु हैं, चौथे बिंदु को निकालने के लिए जिन भी 2 बिंदुओं से हमें उसकी दूरी पता है उन बिंदुओं को लेके हमने उसी दूरी के चाप काटे और चौथा बिंदु भी हमारे पास आ गया, तो ये चतुर्भुज हमारे पास आ गया एन ई एल आई, ठीक है। तो तीसरा तरीका देखें आप, तीसरा तरीका 2 संलग्न भुजाएं और 3 कोण। 3 संलग्न भुजाओं का मतलब क्या हुआ, कोई भी 3 कोण है और उन तीनों कोणों के बीच में वो 2 भुजाएं आ रही है, जैसे ये आपका ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ये आपका ए बी सी डी है, ए बी की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, एंगल ए आपको दिया है कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो आप देखें कि ये ए बी और बी सी जो दोनों भुजाएं हैं वो इन तीनों कोणों के बीच में संलग्न है, तो हम इसकी रचना की विधि देखते हैं, हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी वही हमें करना है, आप कोई भी एक भुजा बना लीजिए, मान लीजिए हमने ए बी बना लिया जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पता है कि ए पे कितने का कोण है, ए पे है 90 डिग्री का कोण, ए पे कितने का कोण है, ए पे 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो हमने कोई भी एक किरण बना दी ए एक्स जो 90 डिग्री के कोण पे है, ठीक है, और बी पे कितने का कोण है, 65 का, बी पे 65 का है, तो ए वाई कोई भी एक किरण है यहाँ पे 65 है, ठीक है। तो अब सी बी सी की लंबाई क्या है, बी सी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे कि बी को केंद्रीय बिंदु मान के 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक क्या बनाएंगे, चाप बनाएंगे, इसकी लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और जहां वो बी वाई किरण को काटेगा वो बिंदु हो जाएगा सी, तो हमें पता है कि सी से कितने का कोण है, बी सी से कितने का कोण है, तो हम एक और बना देंगे 110 का कोण है तो ये होगा 110 का कोण, और जहां भी वो किरण एक किरण को काटेगी वो पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा डी, तो ऐसे हम इसे बना सकते हैं। चौथा तरीका देखें आप, चौथा तरीका क्या है, हमें कोई भी 3 भुजाएं दी है और तीनों भुजाओं के बीच में समाविष्ट कोण दिए हैं, समाविष्ट कोण का क्या मतलब हुआ देखते हैं, ये पी क्यू आर एस है, मान लीजिए पी क्यू
आर और एस। पी क्यू की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर की 4.5 सेंटीमीटर और आर एस की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल क्यू, कोण क्यू आपको दिया 110 सेंटीमीटर और कोण आर दिया आपको 80 सेंटीमीटर, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। अच्छा, समाविष्ट कोणों का मतलब क्या होता है, जो भी तीन भुजाएं हमें दी है उन तीनों में, जैसे उन तीन में से आप कोई भी दो को लें, उनके बीच में जो कोण है वो हमें दिया हो, और कोई भी दूसरी दो भुजाओं को ले तो उनमें भी जो कोण है वो हमें दिया हो, इसे हम कहते हैं कि समाविष्ट कोण। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप क्यू आर बनाएं, ये आपका क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। फिर आप क्या करें, ठीक है, अब क्यू पे आपको कोण क्यू का मान पता है, कोण क्यू का मान क्या है 110, तो आपने बना दिया ये 110 डिग्री है, ठीक है, ये कोई भी किरण है क्यू एक्स। अच्छा, अब आपको पता है कि क्यू पी क्यू का मान क्या है, तो पी क्यू का मान तो उतने माप का एक आर्क, एक चाप आप काट दें, वो पॉइंट हो जाएगा, वो बिंदु हो जाएगा पी। क्यों हमने ऐसा किया ये आपको अब तक समझ आ गया होगा। और आर कितना है, आर है 80 डिग्री, तो आर पे आप 80 डिग्री बना दें, ये हुआ 80 डिग्री, इसको ए वाई किरण बोल दें। और आपको आर एस भी पता है, आर एस कितना है 4 सेंटीमीटर, फिर से आप एक चाप काटें, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो आपको अभी पी और आर दोनों बिंदु पता है, आप इन्हें मिला दें तो आपके पास एक चतुर्भुज तैयार हो जाएगा, पी माफ कीजिए ये पॉइंट एस है, तो आपके पास एक पॉइंट, आपके पास एक चतुर्भुज हो जाएगा पी क्यू आर एस। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने चार तरीके देखे जिससे हम कोई भी चतुर्भुज बना सकते हैं, और ये बात ध्यान रखने की है कि एक चतुर्भुज बनाने के लिए हमें 5 चीजें चाहिए होती है, 5 डाटा चाहिए होते हैं, 5 से कम अगर डाटा होंगे तो हम एक चतुर्भुज, एक निश्चित चतुर्भुज नहीं बना पाएंगे, उससे हम काफी सारे चतुर्भुज बना सकते हैं। थैंक यू।